हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए फिर एक बार आपके लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए इसको हम ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हैं लेकिन उसमें आपका एक सेक्शन रह जाता था सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स रॉन्ग आंसर देकर आए थे या वो क्वेश्चनस को ठीक तरीके से उस टाइम समझ नहीं पाए और देखिए ये आपका सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक तो इसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे मींस आपको फाइव क्वेश्चंस दिए जाएंगे और फाइव ही आपने अटेम्प्ट करने हैं और ये पूरा सेक्शन आपको कितने नंबर प्रोवाइड करेगा फिफ्टीन मार्क्स का ये आपका सेक्शन है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है सिर्फ आज फोकस करेंगे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर तो इसे एक बार देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे और क्या रीजन था कि स्टूडेंट्स इसमें अच्छे नंबर नहीं ले पाए अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका ले लेते हैं सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका इस तरीके से दिया हुआ है कि देखिए अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन फॉर्मल एसे एंड इनफॉर्मल एसे ओके तो स्टूडेंट इस इसका इजीली आंसर दे सकते थे यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एस एंड इंपर्सनल परसनल एस और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव एस से और ऑब्जेक्टिव एस लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स जब इस सेक्शन पर आते हैं तो जैसे ही उनको क्वेश्चन पेपर मिलता है वो इतना हरिडली उसको ठीक से रीड आउट नहीं करते हैं समझ नहीं पाते हैं और एग्जामिनर का यही पर्पस होता है इस तरह के क्वेश्चन रखने का कि वो ये देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स ने कितना डीपली स्टडी किया है या वो कितना उसके मीन्स उनको कितनी बेसिक नॉलेज है या वो कितना अच्छे तरीके से क्वेश्चन पेपर को पढ़ भी पा रही है या नहीं तो इसलिए आपको हमेशा हम ये सजेस्ट करते हैं कि जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसे आप, आप बिल्कुल कूल cool माइंड होकर पढ़िए एक बार और देखिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है तो यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया है आपसे हमेशा जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन आते हैं उनमें डिफरेंस पूछा जाता था फॉर्मल ऐसे एंड इनफॉर्मल फॉर्मल ऐसे पर्सनल ऐसे एंड इम परसनल ऐसे हो सकता है कि इस बार आपसे ये पूछ लिया जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनफॉर्मल ऐसे एंड पर्सनल ऐसे राइट तो फिर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाएंगे तो आप यहाँ पर देखिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऐसे एंड इम परसनल ऐसे फॉर्मल इम पर्सनल इन पर फोकस कीजिए आप अब देखिए फॉर्मल एस का बिल्कुल अपोजिट क्या है इनफॉर्मल एस से राइट यहां पर अगर आप को नजर आ रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि पेंसिल से इनके आंसर्स हमने लिखे हुए हैं फॉर्मल एस से इन फॉर्मल एस से पर्सनल एस से डेट इज इमपर्सनल एस से पर्सनल ऐसे और इंपर्सनल ऐसे सेम है फॉर्मल ऐसे और इंपर्सनल ऐसे फॉर्मल का अपोजिट क्या है इनफॉर्मल और इम पर्सनल का अपोजिट क्या है पर्सनल तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऐसे एंड सब्जेक्टिव ऐसे इनफॉर्मल ऐसे पर्सनल ऐसे इन सब्जेक्टिव ऐसे इनको आप कह सकते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कि ये तीनों सेम होते हैं लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फॉर्मल का और इमपर्सनल का फॉर्मल ऐसे को आप इम्पर्सनल ऐसे भी कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऐसे भी कह सकते हैं या अगर और इजी लैंग्वेज में बोलें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में तो जो फॉर्मल ऐसे होते हैं इनपर्सनल ऑब्जेक्टिव बायोग्राफी आप कह सकते हैं और इनफॉर्मल ऐसे पर्सनल ऐसे सब्जेक्टिव ऐसे जो जिनको हम ऑटोबायोग्राफिकल नोट बोलते हैं या ऑटोबायोग्राफीज बोलते हैं अब यहाँ पर फॉर्मल और इनपर्सनल आप अगर देखेंगे तो दोनों आपको सेम लग रही हैं राइट मीन्स डिफरेंस कुछ है ही नहीं बोथ आर सेम एंड देर इज़ नो डिफरेंस अगर सरफेस से देखें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है फॉर्मल ऐसे आर ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स ओके जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसी न किसी चीज के बारे में किसी पर्सन के बारे में किसी सिचुएशन इवेंट्स के बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है मीन्स ये हमेशा फैक्चुअल बेस्ड होती हैं जिनको हम कह सकते हैं प्रोफेशनल जैसे कि प्रोफेशनल एसेज होती हैं प्रोफेशनल टाइप्स होती हैं या फिर एकेडमिक, लीगल टेक्निकल बोल सकते हैं आप इनको टेक्निकल एसेज क्योंकि ये आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन देते हैं या फैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं और ये भी आप कह सकते हैं देर इज नॉट अ कन्वर्सेशनल लैंग्वेज इस तरह के ऐसे में जैसे कि आप बिल्कुल सिंपल लिखते हैं आपके सिलेबस में भी है फॉर्मल लेटर इन फॉर्मल लेटर तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये जब ऐसे लिखे जाते हैं तो एक इनमें कन्वर्सेशनल मैनर में नहीं लिखे जाते मीन्स ये कन्वर्सेशनल लैंग्वेज इनमें नहीं होती है ओके okay? इनको हम क्या बोल सकते हैं कि ये इस तरह के होते हैं टू द पॉइंट बात करती हैं वो किसके बारे में लिख रहे हैं वो एक पार्टिकुलर पर्सन का यहाँ पर नाम मेंशन नहीं करते अब देखिए यहाँ पर इम पर्सनल ऐसे तो दोनों आपके सेम ही हैं अगर इसमें यहाँ से पर्सनल ले लें तो पर्सनल क्या होता है जिसमें एक राइटर अपनी लाइक्स डिसलाइक्स अपनी डिजायर्स उसके ड्रीम्स उसका जो भी एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का बिटर में भी बिटर में भी स्वीट उसको क्या पसंद है क्या नहीं है वो ये सब कुछ मेंशन करता है किसमें पर्सनल ऐसे में जैसे कि चार्ल्स लेम का आपको एग्जांपल दे सकते हैं और पर्सनल बिल्कुल अपोजिट हो जाता है इम्पर्सनल ऐसे कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता वो क्या सोच रहा है उसके अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू क्या हैं उसके अपने थॉट क्या हैं वो उनको कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता मींस वो बात बता रहा है इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो हमें सब कुछ बता रहा है लेकिन बिना किसी का नाम लिए उसके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्टिकुलर पर्सन नहीं होता उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है वो जिसके बारे में बात कर रहा है मीन्स इम्पर्सनल ऐसे इज ऑलवेज फोकस्ड ऑन द थिंग इंपोर्टेंट okay? होती है कि person, वो person important नहीं होता. तो यहां पर मीन पर्सनल नहीं है ये कंप्लीटली क्या है इमर्सनल तो देखिए दोनों में आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा क्योंकि दोनों ही ऐसे क्या हैं दोनों में ही इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि फॉर्मल ऐसे या इम परसनल ऐसे हमेशा किस पर्सन में एक्सप्रेस किए जाते हैं ये थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं थर्ड पर्सन मीज फर्स्ट पर्सन में कभी भी लिखे नहीं जाते और ऐसे भी कह सकते हैं कि हमेशा पैसिव वॉइस में लिखे जाते हैं जैसे कि आप सपोज कीजिए कि अगर आप लिखते हैं आई ओके अ लेटर दैट इज राइट आ लेटर पर्सनल ऐसे हमेशा लिखे जाएंगे एक्टिव वॉइस में फर्स्ट पर्सन में अब इन दोनों में आप डिफरेंस देखिए अगर आप कहते हैं आई राइट आ लेटर तो यहाँ पर आपने किस पर फोकस किया आई पर आपने आई फर्स्ट पर्सन यूज किया और आपका फोकस है कि किसने लिखा सब्जेक्ट आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आई लेकिन जब आप कहते हैं आप एक्टिव वॉइस में बात ना कर अपने आपको एक्सप्रेस ना कर आप किस में एक्सप्रेस कर रही हैं पैसिव वॉइस में तो आप क्या कहते हैं अ लेटर वॉज रिटर्न ओके अब दोनों में आपको कितना डिफरेंस नजर आ रहा है अब यहां पर ये यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि लेटर किसने लिखा किसको लिखा यहां पर इम्पोर्टेंट क्या है लेटर इम्पोर्टेंट है थिंग इंपोर्टेंट है तो इसे हम कहते हैं इम ऐसे जब आप कहते हैं अ लेटर वॉज रिटर्न ओके तो यहां पर थिंग इंपोर्टेंट है न कि सब्जेक्ट लेकिन जब आप कहते हैं आई रोट आ लेटर अब आपके लिए लेटर इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है आई तो आई का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आप पर्सनल हो रहे हैं वहाँ पर तो फॉर्मल ऐसे और इम्पर्सनल ऐसे आप ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं इनको और ये पूरी तरह से इनमें इमोशन लेस होते हैं इमोशन लेस से मतलब कि आपकी अपनी पर्सनल इमोशंस उसमें एक्सप्रेस नहीं होती आप जो भी कुछ लिख रहे हैं जो भी कुछ कह रहे हैं आप बिना किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम लिए उसको कहते हैं तो ये है आपका पूरा फॉर्मल ऐसे एंड इम एसे ऐसे और इसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि दोनों ही अगर सरफेस से देखें तो सेम है राइट अब डिक्शनरी में डिक्शनरी से एक बार इसको समझ लेते हैं कि डिक्शनरी में फॉर्मल ऐसे का क्या मतलब है आपको और डीपली समझ में आ जाएगा देखिए आप फॉर्मल एस अब फॉर्मल एस इज़, अब फॉर्मल एसे इज अ सीरियस डिग्निफाइड लॉजिकली ऑर्गेनाइज एसे रिटर्न टू इन्फॉर्म ओ परसवेट राइट तो ये पूरी तरह से सीरियस एक ऑर्गेनाइज ऐसे होता है जो इसलिए लिखा जाता है ताकि वो आपको किसी भी तरीके कोई बात आपको समझा सके आपसे मनवा सके आपको कन्विंस कर सके या आपको इन्फॉर्म कर सके इसका ये मेन पर्पस होता है फॉर्मल ऐसे इज अ सीरियस केयरफुली ऑर्गेनाइज केयरफुली ऑर्गेनाइज एंड लॉजिकली इट इज डेवलप्ड कंपोजिशन एम्ड टू इन्फॉर्म तो इसका जो एक डेवलप्ड कंपोजिशन होती है और इसका मेन टारगेट इसका मेन पर्पस होता है अपने रीडर्स को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देना ये हमारा फॉर्मल ऐसे है क्योंकि ये थ्री मार्क्स का है तो आप इसको एक या दो वर्ड में नहीं लिख सकते आपने अपने पूरी तरह से उसका आंसर देना पड़ेगा कि फॉर्मल ऐसे क्या है और इनपर्सनल ऐसे क्या है और दोनों में डिफरेंस नहीं है दोनों सेम है आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि फॉर्मल का अपोजिट एंड पर्सनल अपोजिट अब चलते हैं सेकेंड वन पर डिफाइन द टर्म एनोलॉजी पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप उसका फ्यूएस्ट वर्ड्स में आंसर दे सकें। तो आपने इसको पूरा ही बताना पड़ेगा डिफाइन द टर्म एनोलॉजी वॉट इज एनोलॉजी तो एनोलॉजी क्या है इट इज comparison. एनोलॉजी इज अ कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स ओके आप इस तरह से आंसर लिखेंगे बिटवीन टू थिंग्स दैट इन विच दे आर सिमिलर या कह सकते हैं कि उनकी रिलेशन क्या है द रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स तो एक कंपैरिजन की जाती है एनोलॉजी में ये दिखाने के लिए ये प्रूव करने के लिए कि उन दोनों का आपस में क्या कितना सिमिलर रिलेशन है और देखिए दो तरह के टाइप होते हैं सिमिलर एनोलॉजी भी होती है अपोजिट एनोलॉजी भी होती है यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं आप चाहे तो एग्जाम में एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कॉम एंड हेयर ओके कंपेरिजन थी ना हमारी अ कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स ओनली टू शो देयर सिमिलैरिटीज अब देखिए इन दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है कॉम एंड हेयर डोग एंड पपी तो ये किस तरह की analogy है? Similar analogy. इतना भी बस आप तो काफी होगा. आपके पास अगर time है तो आप opposite analogy भी लिख सकते हैं अपोजिट जैसे वाइट एंड ब्लैक हॉट कॉल्ड अप एंड डाउन तो एनोलॉजी का आपका ये आंसर हो जाता है वॉट अकॉर्डिंग टू बैकन आर दूजेस ऑफ स्टडीज़ बैकन के अकॉर्डिंग स्टडीज़ के क्या थ्री एडवांटेजेस हैं क्या यूजेस हैं क्या प्रॉफिट हैं क्या बेनिफिट हैं तो देखिए ये इतना सिंपल क्वेश्चन था लेकिन स्टूडेंट्स इसका भी आंसर नहीं दे पाए थे आपके पास अगर अब टेक्स्ट है बैकन की जैसे कि देखिए ये बैकन है हमारे ओके ऑफ स्टडीज तो फ्रांसिस बैकन की टेक्स्ट अगर आप लेते हैं उनका ऐसे देखिए बिल्कुल फर्स्ट लाइन फर्स्ट लाइन में ही उन्होंने यूजिस बताए हैं यहाँ पर कि क्या इनके स्टडी के यूजेस होते हैं तो फर्स्ट लाइन में देखिए स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी थ्री यूजिस हैं स्टडीज के डिलाइट ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी तो ये आपका यहाँ पर आंसर होगा जो फर्स्ट लाइन से ही क्वेश्चन लिया गया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वट अकॉर्डिंग टू बैक आर द यूज ऑफ स्टडीज स्टडीज ये पूरी लाइन ऐसी ही अगर आप लिखेंगे तो भी आपका परफेक्ट आंसर होगा स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी फोर्थ वन इज वट इज कंटेंट राइटिंग अब यहाँ पर कंटेंट राइटिंग आपसे पूछा गया है तो आप अगर अपना सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में ये क्वेश्चन आपका लिया गया है कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश से ओके यूनिट नाइन्थ है आपकी और क्योंकि ये कंप्यूटर राइटिंग स्किल है तो यहाँ पर आपका ये रहा ऑनलाइन राइटिंग की बात हो रही है यहां पर तो हम यहाँ पर बात करेंगे डिजिटल फॉर्म की मीन्स जो भी हमारी ऑनलाइन राइटिंग है वॉट इज कंटेंट राइटिंग तो अब आपको इसी, इसी रेफरेंस में लिखना है और आपका क्या किस तरह से आप इसका आंसर देंगे वॉट इज कंटेंट राइटिंग कंटेंट राइटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ओके हम सबको पता है कि जब भी हम कुछ भी लिखते हैं कोई भी कंटेंट तैयार करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले प्री प्लानिंग होती है आप, आपके माइंड में एक थॉट आता है आप प्लान करते हैं फिर आप उसको एक रफ पेपर पर आप उसको आ, लिखते हैं उसको एडिट भी किया जाता है और बिल्कुल लास्ट मोमेंट में आप उसको क्या करते हैं पब्लिश करते हैं तो एक बिल्कुल सिंपल वर्ड में आप इस तरह से अपना आंसर देंगे अ प्रोसेस कंटेंट राइटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग राइटिंग एडिटिंग एंड पब्लिशिंग कंटेंट इन अ डिजिटल फॉर्मेट अभी यहाँ डिजिटल फॉर्मेट हम क्यों ले रहे हैं क्योंकि आपका ऑनलाइन राइटिंग के रेफरेंस में ये पूछा जा रहा है जैसे कि आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं स्क्रिप्ट होती हैं तो ये था हमारा आंसर इसका कंटेंट राइटिंग आप अगर इसको और इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं लेकिन ये आपको टू द पॉइंट आंसर बता रही हैं अब लास्ट में देखिए हमारा ये आपका आपकी शॉर्ट स्टोरी थी आपकी टाइटल द लास्ट द लास्ट लीफ तो ये उससे लिया गया था आपका आपकी यूनिट फिफ्थ में जो शॉर्ट स्टोरी है वो हैनरी की द लास्ट लीफ तो ये उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द लास्ट लीफ अब ये लास्ट लीफ में आपको पता है कि लास्ट इज द सिंबल ऑफ डेथ ओके इट सिंबोलाइजेस द लास्ट लिव सिम्बोलाइजेस डेथ और यहां पर आप ये मेंशन कर सकते हैं जो, जो मेजर मेन कैरेक्टर होता है हमारा यहाँ पर शी वॉज शी ऑलवेज फेल्ट शी ऑलवेज थॉट तो यहाँ पर आप इस तरह से लिखेंगे जो शी फील्स और शी शी दैट विल विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ ट्री होता है उनके सामने उसमें से उस पर जितनी भी लीव्स होती हैं वन बाय वन वो सब नीचे गिर रही थी तो एक लास्ट लीफ रह जाती है उस ट्री पर और जोन्सी को लगता है कि जिस दिन वो लास्ट लीफ भी गिर जाएगी उनकी भी डेथ हो जाएगी तो ये टाइटल काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पर आप लिखेंगे दैट देर इज़ अ लोट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टाइटल द लास्ट लीफ इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज अवर मेन कैरेक्टर जोनसी शी फील्स और शी थिंक्स दैट शी विल ऑल्सो डाई वन डे विद द फॉलिंग ऑफ दैट लास्ट लीफ एंड बिकॉज शी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया ओके निमोनिया क्योंकि उनको होता है तो इतना आपका आंसर यहाँ पर होगा बस आपने ये जरूर बताना है कि ये काफी इंपॉर्टेंट टाइटल है और इससे लग इसका टाइटल हमें नहीं लगता कि कोई और हो सकता था दैट इज द परफेक्ट टाइटल तो ये आपके सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे इन पर क्यों वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि देखिए बहुत लेंदी वीडियो हो जाती है और हम चाहते हैं कि कम से कम टाइम में आपको बातें जो भी आपके आंसर्स हैं बातें बताएं तो देखिए काफी लेंथी वीडियो हो गई लेकिन डिटेल्ड हमने फिर भी आपको दे दिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और ये सब हम आपको बता ही चुके हैं आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे कि आपसे आपसे किसी भी तरह का कोई लेटर या एप्लीकेशन आपसे पूछ ली जाएगी और राइट एक्सप्लेनेशन ये आपने देख ही लिया था लास्ट वीडियो में अब ये देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन आता है इसे हम कहेंगे कि स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं आप एकदम से लास्ट मोमेंट पर आप सोच नहीं सकते कि इसको किस तरह से लिखें तो आप इसको चाहे छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पूछा है इट इज सेफर इन द जंगल देन इन द टाउन सुंदर सिंह कहते हैं ये द टनल शॉर्ट स्टोरी में और वो ऐसा क्यों कहते हैं कि मुझे टाउन से कहीं ज़्यादा अच्छा या सेफ लगता है जंगलों में रहना ऐसा क्यों कहा तो यहाँ पर ये यह जो लाइन यहाँ पर एग्जामिनर ने इस पर फोकस किया है ये काफ़ी मीनिंगफुल लाइन है लोगों को आजकल इंसान इनसा, इंसान को इंसान से ही डर लगता है इंसान ही इंसान की लाइफ का दुश्मन बनता जा रहा है हम जंगल में ज़्यादा सेफ हैं क्योंकि वहाँ सिर्फ हमें जानवरों से डर है लेकिन वो भी हम पर तब अटैक करती हैं जब उनको अपनी लाइफ से प्रॉब्लम होती है अपनी लाइफ का खतरा होता है लेकिन शहरों में या फिर कह सकती हैं कि गांव में कस्बों में इंसान अपने आप को सेफ फील नहीं करता तो ऐसा क्यों कहा सुंदर सिंह ने तो यहाँ पर एक सेटायर है सार्केज्म है सिटी लाइफ पर मेट्रो लाइफ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब आप नहीं देखते हो कि एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे हैं तो इंसान एक्सीडेंट में मर रहे हैं और जो एक्सीडेंट में नहीं मर रहा है वो बीमार हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको डिटेल में आप लिख सकती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट तो यहाँ पर सुंदर सिंह का मेंशन कर कर क्योंकि लास्ट लास्ट मंथ मंथ वो बताती हैं सुंदर सिंह वेंट टाउन एंड ही वॉज ऑलमोस्ट रन ओवर बाई आ बस ये बात उन्होंने बताई थी सुंदर सिंह ने स्टोरी में कि जब वो लास्ट मंथ में टाउन में गए थे तो वो बाल बाल बचे थे वरना वो क्या होते एक बस उनके ऊपर मीन्स वो एक बस के द्वारा ही हो जाती। तो ये explanations हैं आपकी देखिए, आपका ये, uh, I was really shocked कि जब स्टूडेंट इसका भी आंसर नहीं दे पाए थे जबकि इसका आंसर देखिए यहां पर ही था आपका स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी बेकन ऑफ स्टडीज गोट। और पूरा अगर आप इसको भी लिख देते हैं आप यहीं से कॉपी कीजिए अपने क्वेश्चन पेपर से और उसको वही पेस्ट कर तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। से 1, 2 मिले लैम ड्रीम चिल्ड्रन का है ये आपका जो पर्सनल ऐसे है चिल्ड्रन लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स और ये आपके थ्री क्वेश्चन थे अब देखिए ऑलरेडी इतनी बड़ी वीडियो हो चुकी है तो प्रॉब्लम आती है फिर अपलोड करने में और आपका भी बच्चों का टाइम वेस्ट होता है जो हम नहीं करना चाहते तो अब इनके लिए इनको पॉसिबल नहीं है हमारे लिए डिटेल में बताना ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है आप इनको देख लेना एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी आई हैं यहाँ पर आपकी जो आपको बहुत अच्छी तरीके से हेडिंग्स बनाकर लिखनी है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ये भी हेडिंग्स आपने ज़रूर नोट करनी है और जो इस तरह के क्वेश्चन हैं आपके आप चाहे तो उनमें कोटेशंस यूज कर सकते हैं काफ़ी अच्छी लाइन है इस पर आपको फोकस करना है प्रायोरिटीज चेंज व्हेन द चाइल्ड लूजेस हिज पेरेंट्स तो ये पूरी एक तरह से कह सकते हैं कि थीम क्या है समरी है आपको फोकस इस पर करना है कि पहले उस चाइल्ड की क्या डिमांड थी क्या प्रायोरिटी थी उसको पहले क्या चाहिए था उसको पहले दुनिया की सारी चीज़ चाहिए थी मेले की सारी चीज चाहिए थी टॉयज स्वीट दिस एंड दैट लेकिन लेकिन जब उसके पेरेंट्स उससे खो जाते हैं तो अब उसकी प्रायोरिटी सिर्फ उसके पेरेंट्स होते हैं तो पूरी समरी ही यहाँ पर आएगी बस आपने इस पर ज्यादा फोकस करना है और लास्ट वन आपको पता है ही स्वामी विवेकानंद जी द कॉन्क्स्ट ऑफ द वर्ल्ड उनके इंडियन थॉट्स जो भी उन्होंने इसमें दिए हैं वो आपको सबको मेंशन करने हैं प्लॉट ऑफ द स्टोरी आ जाएगा लैमेंट का हमारा और ये बिल्कुल सिंपल आपका पूछा गया है जोसफ एडिसन एज एन एसइस्ट इसमें आप चाहे तो प्रोज स्टाइल को भी मेंशन कर सकते हैं और जो भी आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब एसे है उसे भी आप डिटेल में लिखेंगे तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे आई थिंक दैट नाउ यू हैव गोट वेरी वेल